करने लगे हैं प्रस्पेक्टिव ग्रिड। प्रस्पेक्टिव ग्रिड में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ना 3D बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें आपके पास ये ऑप्शन है, ये वाली प्रस्पेक्टिव ग्रिड के लिए शिफ्ट पी से भी इसको कर सकते हैं हम लोग। इसको आपने जैसे ही आपने क्लिक करना है, आप देखोगे कि आपके पेज के ऊपर आपको ग्रिड टाइप ये चीज़ फील होगी आपको इस तरह। अगर ये पूरी नहीं आ रही तो कंट्रोल माइनस करो, ये देखो यहाँ से पकड़ो, उठा के जहाँ मर्जी रखो इन कॉर्नर्स, ठीक है। और अगर पेज का साइज थोड़ा बड़ा करना आपने तो इसी पेज को ले लो आर्टबोर्ड टूल, यहाँ से ट्रैक करके इसको साइज थोड़ा बड़ा कर लो ताकि प्रॉपरली आपको चीज़ वो नज़र आए जिस पे आप काम कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका किस लिए यूज़ होता है। पर्सपेक्टिव ग्रिड में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव पहलू उसके जनरेट कर देते हैं हम लोग। ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा ये आइकन, आपने इसको सिलेक्ट करके फिर आपने इस पर काम करना है। फॉर एग्जांपल अब दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड पर क्लिक करते हो, इसका सिलेक्ट करके फिर ये एक्टिव होगा। अब अगर आप वन प्रेस करते हो, देखो आपका ब्लू वाला आपका एरिया ऑन है, ये देखो उसी का ब्लू ऑन है। देन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ब्लू ऑन है। अगर मैं टू प्रेस करता हूँ न्यूमेरिक पैड से तो नीचे वाला ग्रीन ऑन हो जाएगा, अगर थ्री प्रेस करूँगा तो राइट साइड वाला ऑरेंज ऑन हो जाएगा। वन ब्लू, टू ग्रीन और थ्री ऑरेंज। उसी तरह आप देखो इस साइड पर ये आपका ब्लू है, नीचे आपका ग्रीन है, ये आपका ऑरेंज है। जिस पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट करोगे उधर बना सकते हो, उसके अलावा किसी और साइड पर नहीं बना सकते। आपने ब्लू सेलेक्ट किया है, ब्लू सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल ले लो, यहाँ से बेशक कलर कोई और ले लो, अगर ब्लू ही लेता हूँ मैं तो देखो आपके माउस के साथ एरो एक नज़र आ रहा है जो कि आपको लेफ्ट साइड की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। आप एक कॉर्नर पे क्लिक करो और यूं ड्रैग कर लो उसको, ड्रैग करो तो उसकी वॉल्स के साथ साथ बन रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये आपने इसको कोई भी कलर दे दिया, ये आपका फीलिंग में आ गया आपका ये कलर, ठीक है जी। उसके बाद आप इसी पर्सपेक्टिव को क्लिक करके आप सिलेक्ट करते हो नीचे वाला एरिया या राइट साइड वाला एरिया ऑरेंज, या इसी ब्लू को लेकर आप सिलेक्ट करते हो पर्सपेक्टिव ग्रिड। आप ये उसका साइज इसी डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर लेते हो। अगर यहाँ से दोबारा मैं लेता हूँ वही कलर, ग्राउंड में आउटलाइन कुछ भी दे देता हूँ आउटलाइन, और यहाँ रख के ब्लू वाला आपने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक। फिर आप इसी को क्लिक करके आप सेलेक्ट कर रहे हो राइट साइड वाला ऑरेंज। अब अपने स्वैच टूल से आप यहाँ से बेशक ऑरेंज कलर ही सिलेक्ट कर लो और यहाँ से रेक्टेंगल ले लो, जब ड्रॉ करोगे तो अब वो ऑरेंज साइड वाले साइड पर आपको ड्रॉ करके देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसको मुझे शो हाइड करना है, बाज़ अवकात आपके कुछ काम कुछ और कर रहे होते हो तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड आपका क्लिक हो जाता है, फिर ये जल्दी जाता नहीं है। समटाइम बच्चों को नहीं पता होता तो वो इसको रीस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम। तो आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल आई, तो ये उन चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव ग्रिड को हाइड कर देगा। शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करने से उसको वो हाइड कर देगा, दोबारा शिफ्ट कंट्रोल आई से उसको शो कर देगा। अच्छा, उसके बाद आप देखो जो जो का डाउन एरिया है नीचे वाले ग्रीन को सेट करो आप दिस वन, तो यहाँ से कोई और रेक्टेंगल ले लो, बेशक कलर कोई और ले लो, नीचे रख के ड्रा करो, ये आपके पास उसका फुटर एरिया डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये ऊपर आ रहा है शिफ्ट कंट्रोल आई करो, ये ऊपर आ रहा है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, इसको सेलेक्ट करो
आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अरेंज, अरे में जाकर ये सेंड टू बैक, इसको उनके पीछे फेंक देगा। सेंड टू बैक करोगे ऑब्जेक्ट को पीछे पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट रेंज सेंड टू बैक। ठीक है जी। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट का शिफ्ट कंट्रोल आई से मैं ऑन करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं अपने लिए जूम करता हूँ। अब आप पर्सपेक्टिव ग्रिड को क्लिक करके आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर को क्लिक करो। अब यहाँ से मैं लेता हूँ दोबारा रेक्टेंगल और कलर ले रहा हूँ मैं ब्लैक और यहाँ रख के आप एक ब्लैक डोर क्रिएट कर रहे हो इस तरह से। अगर इस साइड को क्लिक करते हो तो इस साइड पे आप विंडो बना रहे हो, एक विंडो ये, दूसरी विंडो ये, और नीचे आप थर्ड भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ये उसी तरह पर्सपेक्टिव जनरेट कर रहा है जिस तरह से जिस डायरेक्शन में वो वॉल या वो एरिया मौजूद है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल हाइड करके देखो, ये देखो लुक लाइक ओरिजिनल। फिर कंट्रोल हाइड करो। अब मैं जी को प्रेस करके इसके फुटर एरिया में आ जाता हूँ। ठीक है, फुटर एरिया में मेरे पास ये मेरे पास वॉल है और मैं नीचे ले रहा हूँ बॉटम एरिया, यहाँ रख के ये मैंने जनरेट किया उसका पाथ। ठीक है, और इसको मैं कलर देता हूँ कोई भी इस टाइप का। ऑलरेडी होते हैं, हम भी इन इन नेक्स्ट लेक्चर हम भी खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने किसेंस बनाया, दोबारा बनाते हैं इसको। ये देखो, ये ग्रिड लिया आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ रख के आपने ये जनरेट कर दिया इसके साथ। अगर इसको रिवर्स करते हो राइट साइड तो उसको आप इस कॉर्नर से ये बना रहे हो इसको। अगर आप और बारीकी में जाओगे इसको इसके कॉर्नर्स पे काम करने के लिए तो जूम प्रेस करो इसके साथ। ठीक है, यहाँ से ले लो आप डायरेक्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो वो छोड़ दो, क्लिक करके आपने छोड़ा जस्ट, हाँ तो इसको ड्रैग करके इसके साथ मिला दो लाइन टू लाइन। एज को प्रेस करके इधर आ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन ले लो, इसको क्लिक करो और छोड़ दो। जस्ट लाइक दिस, दिस इज लाइक अ डिटेल वर्किंग। ठीक हो गया। अब शिफ्ट कंट्रोल आई से इसको हाइड करो, ये आपके पास टेम्परेरी सब मॉडल बन गया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कमांड्स, ये जस्ट एस कमांड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक हो गए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जिसने ये डोर आपका ऑलरेडी बना हुआ है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम लोग इसके साथ इस साइड पर एक अलग से डोर बनाते हैं, ये डोर बनाने बना के यहाँ लगाते हैं। एक तो हम इसके ऊपर बना रहे थे, अब हम अलग से बनाते हैं, उसमें हम लोग कलर कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग कुछ फर्दर डिज़ाइंस ऐड कर लेते हैं इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी, एक मैंने ये ऐड किया यहाँ पर सैम्पल, उसके दरमियान डोर में कुछ कोई भी टेक्सचर हमने बना लिया। ठीक है, इसी को ड्रैग करो, ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ अलाइन हो रहा है वो, ऑल्ट शिफ्ट ये ले लो। Alt के साथ आपने ये इसकी कॉपी की, फिर कंट्रोल डी से दूसरी कॉपी कर दिया, शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लो
और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करो। ठीक है, ये डोर बन रहा है। अब इस डोर को हमने यहां लगाना है। इस सारे को सिलेक्ट कर लो और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ग्रुप कर दो कंट्रोल जी के साथ। ये कंट्रोल जी, इसमें हर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जी चल रहा है सबके साथ। कंट्रोल जी से आपने इसको ग्रुप कर लिया। दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड में आओ, तो अब आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड के नीचे दूसरी ऑप्शन है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, दिस वन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसको आपने किया क्लिक और इस सब्जेक्ट को आपने यहां से ड्रैग करना है। अब चूंकि मेरा डायरेक्शन मेरी गलत सिलेक्टेड है, कंट्रोल जी करो, आपने ये वाली साइड लेनी है ब्लू वाली। अब आप सेट करो, ये देखो अब यहाँ रख के चूंकि साइज बड़ा है इसका, ये आपके पास आ गया। शिफ्ट कंट्रोल आई करो, ये हाइड हो गया। वो डोर आपने यहाँ आके लगा दी, मतलब कि अलग से कुछ चीज बना के इस ग्रिड पे लगा सके। जैसे आपने ये प्रोडक्ट लगाई वैसे ही आप किसी बॉटल का जो लेबल है वो लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, पहले ना कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के ऊपर हम लोग कुछ हल्का सा को डिज़ाइन बना लेते हैं। हम यहाँ से लेते हैं जी पेन टूल, पेन टूल से हमने यहाँ क्लिक किया, फिर हमने यहाँ क्लिक किया और फिर हमने यहाँ क्लिक कर दिया जी, फिर दिस दिस एंड दिस, इतने से का हमने रंग चेंज कर दिया और इसकी हमने सेलेक्ट करके इन दोनों की हमने आउटलाइन जीरो कर दी। यहाँ नहीं नजर आ रहा, इधर देखो, अब इस पे यहाँ पर कोई भी हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, और हम इसके साथ लिख दिए नीचे टेक्स्ट आ गया। हम लोग कोई भी शेप लेते हैं, फर्ज करो कि हमने इस सारे को सेलेक्ट करो और इसी को राइट क्लिक के साथ आपने कॉपी किया। अब आपने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और स्टार इनको आपने कर दिया फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। टेक्स्ट नहीं करना आपने। अब इसको सेलेक्ट करके आपने ऑब्जेक्ट में जाकर कर दिया ग्रुप, इसको भी सेलेक्ट करके आपने ऑब्जेक्ट में जाकर कर दिया ग्रुप। आपके पास दो पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गए। अब आप ऑन करोगे अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड और पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर जाके अब यहाँ से उठा के बेशक
इन ऑब्जेक्ट्स को अब उठा के बाहर रख लो, इसको परस्पेक्टिव ग्रिड को क्लिक करके इसको यहां से पकड़ के आप दरमियान में ले आओ। अब परस्पेक्टिव ग्रिड में मेरे पास है जी ये वाला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन आप ले लोगे, परस्पेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टू, ब्लू एरिया आपका ऑन है, इसको यहाँ से ड्रैग करो, ड्रैग करके आप इसको इस जगह ला के यहाँ ला कर फिट कर दो। सेकंड आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है ऑरेंज वाली साइड, राइट साइड, अब इसको ड्रैग करो, इसको आपने यूं ड्रैग करके यहाँ रख दिया, ठीक है जी, प्रोडक्ट आके फिट हो गई आपकी। शिफ्ट कंट्रोल आई करो, इसको हल्का से ड्रैग करके नीचे ले जाओ, तो ये आपकी प्रोडक्ट तैयार। इस तरह क्लाइंट को आप बना के दिखा के उसको प्रोडक्ट शो कर सकते हो कि यार आपकी जो प्रोडक्ट डिजाइन किया वो पोर्टल जब बनेगी तो ऐसा शो होगा आपको। अगर अच्छा, अगर आप इसको आउटलाइन देना चाहो तो आप इस सारे को सिलेक्ट कर लो या इसको ले लो, ऑब्जेक्ट में जाके कर दो जी अनग्रुप, इसको भी सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप कर दो, आप इसको सिलेक्ट करो, ये आपका अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग है ब्लू वाला, इसको कोई भी स्ट्रोक दे दो आप, 0.11 दे दो इसको, इसको ले लो और इसको सिलेक्ट कर लो, इसको 1 दे दो, अब दोनों को दे दी इस तरह से, देखो ज़्यादा हो गई, इसको आप 0.5 कर लो, इसको 0.5 कर लो, ये नॉर्मल हो गया, अब सिलेक्शन करें ग्रुप का।